માવઠાને લઈને જે વાતાવરણ ખૂબ સુંદર છે દર્શક મિત્રો, દર વર્ષે શિયાળાની શરૂઆતમાં આ માવઠું પડતું જ હોય છે અને તેને લઈને જ વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરતી હોય છે। વડોદરા શહેરના મધ્યમાં એટલે કે નવલખીની સામે જ પોલો ગ્રાઉન્ડ છે અને પોલો ગ્રાઉન્ડ ખાતે જ ટિબેટિયન માર્કેટ ભરાય છે। દર્શક મિત્રો, ટિબેટિયન માર્કેટ ભરાતાની સાથે જ લોકો અહીંયા ખરીદી કરવા ઉમટી પડે છે। શિયાળાની શરૂઆત થાય ત્યારે અહીંયા ગરમ વસ્તુઓ ખૂબ સારી એવી મળી જાય છે, ત્યારે અનેક રીતે જ અહીંયા જે લોકો ખરીદી કરવા આવી રહ્યા છે તે લોકોમાં ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે। એ હાથના ગ્લોવ્સ હોય, સ્વેટર હોય, મફલર હોય કે પછી જ કાંટોપી હોય, આ અનેક પ્રકારની ગરમ વસ્તુઓ મળતી હોય ત્યારે લોકો જે છે તે અહીંયા મન મૂકીને ખરીદી પણ કરી રહ્યા છે। આવો નિહાળી અહીંયાના દ્રશ્યો કેવા છે, સાથે જ શું કહી રહ્યા છે આ ટિબેટિયનો। हमें तो 10-15 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे मार्केट खोला हुआ है ना, ये अब यहाँ पे घर आके भी पिछले साल से बढ़िया है, अब तो नहीं है इस साल, अब थोड़ा दिन बढ़ते दिन कम हो जा रहा है। मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है, अभी ठंडा हो रखा है बहुत, तो अभी थोड़ा घर आके में भी तो कम ही है। मार्केट का तो बहुत बढ़िया ही है ना, क्वालिटी मिल जाती है आपको, एकदम बढ़िया बढ़िया मिलेगी यहाँ पर, ऐसा है। आगे अब देखते हैं कैसा चलता है सीज़न। अब सीज़न पिछले बारिश से तो थोड़ा कम ही चल रहा है ना, राखी थोड़ा कम ही है इस बार, वैसे तो बढ़िया है इधर। हर बार जो इसका रेट रहता है यहाँ पर, उससे रेट में कुछ डिफरेंस है? नहीं नहीं, जो पिछले साल जो रेट था वही मार्केट के हिसाब से होता है। जब ये पूरा यूनिटी लोग मिल के रेट तय करता है तब जाके सब लगता है ना, तो आपस में तो वो पिछले साल का जो रेट है वही रेट में है, जैसा क्वालिटी रहेगा उसके हिसाब से प्राइस रहेगा है ना, उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है 10-50 रुपये है ना। जैकेट में साल वगैरह तो नॉर्मल है, उसके अलावा कुछ नई वेराइटी आप आई हो ऐसा कुछ? हाँ आए हैं, ऐसे उलन में आ रखे हैं, बहुत आते हैं इधर है ना, अलग अलग वेराइटी में आते रहते हैं इधर, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का आपको लेडीज लूडीज का आइटम आता रहता है, टॉप टूप हो गए, अलग अलग चीज़ सब आते रहते। कैसा लगता है बड़ौदा के अंदर आते हो, बिजनेस करते हो, ठीक ही लगता है? अब ऐसा लगता है, अब तो आदत बन गई है ना, हर बुर का पैसे जाते जाते तो गुजराती सीख गए आधा से ज़्यादा है ना, क्या करें, अच्छा लगता है बाहर घूमना भी है ना। अब तो हमारा काम ही वही है, पूरे हम तो हर जगह घूमते रहते हैं, अभी 4 महीने यहाँ है तो 4 महीने अलग जगह जाएंगे। अब दूसरे स्टेट में जाते हो, गुजरात में आए हो, कैसा लग रहा है गुजरात में? अच्छा ही लगता है, अब हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है ना, कैसे होता है। अब कहीं अलग जाते हैं, वहाँ पे कुछ अलग भाषा सीखने को मिलती है, गुजरात में आए गुजराती सीख गए हैं, अलग बड़े मजा है। मेरा नाम संदेश है। हम सर उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड से। दोनों ये जैकेट कौन सा बोल रहे? उत्तराखंड से आते हैं हम। कितने वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं? हमारे कम से कम 30-40 साल से आ रहे हैं। हर बार ठंडी के सीजन में आते हो, किस तरह की यहाँ पर घराकी? घराकी तो ठीक है लेकिन इस साल थोड़ा कम है घराकी ना। इस बार ठंडी के सीजन में कुछ नई वेराइटी आई हो? हाँ ये ना जैकेट आई है, अपने बस टाइप की जैकेट आई है। और हर बार की तरह इस बार भाव में कुछ डिफरेंस है? नहीं नहीं वही है जो पहले था वही है रेट। तो अभी क्या नाम है? मनीष। ठंडी नहीं, मौसम शुरू थी जाए, 2 दिवस थी वरसाद मावठू चालू थे, एट छोकराओं की शॉपिंग करवा आया जे, स्वेटर जैकेट मोजा अहियाँ फेमस है। टिबेटियन मार्केट बड़ोदा भावमां शुं डिफरेंस छे के वधारो छे के ना? भावमां रेट डिफरेंस ओके छे, क्वालिटी ए प्रमाणे सारी छे। ઠંડીમાં વધારો થયો છે? ઠંડીમાં વધારો થવાના લીધે આવ્યા છે અત્યારે શોપિંગ કરવા માટે। શું નામ આપણું? ચિરાગભાઈ।